ईशान भाई कह रहे हैं कि पूरी बात नहीं है यार, मर्दों का भी दिन होना चाहिए। हालांकि मर्द सबसे ज्यादा मर्द बेचारे शरीफ होते हैं, शरीफ होते हैं, ये शरीफ मर्द है मेरे साथ इस वक्त। देखो पैदा हुआ उसको स्कूल की फिक्र, स्कूल से फारिग हुआ उसको अपनी बहन बेटी जो भी घर में उसकी शादी की फिक्र, वहाँ से फ्री हुआ अपनी शादी हुई तो सास और बेगम के अंदर कैसे रिश्ता बन जाए उसकी फिक्र, उसकी फिक्र। फिर थोड़ा बड़ा वो हुआ बच्चे हो गए पैदा, फिर बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र। यार ये तो सच है, अच्छे मर्द की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। वो मर गया और फिर बूढ़ा हो गया पता क्या बोलेगा बेचारा, मैंने सारी जिंदगी इसके लिए तबाह कर दी। बात सच है सोलाने, हमारे दादा परदादा सब यही करते आए, अपनी जिंदगी को जीता मर्द नहीं जीता। ये थे तो प्रोग्राम होते हैं, मर्द के हवाले से प्रोग्राम नहीं होते, क्या कहेंगे मर्द के बारे में? मर्दों के हवाले से प्रोग्राम होते हैं, मर्द बेचारा मजलूम है ना। कैसे कैसे मजलूम है, सुबह उठता है जॉब पे आता है बच्चों को स्कूल भेजता है छोड़ के आता है, कमाना है बच्चों के स्कूल के पैसे देने, कमाना ही है ना उसको, मजलूम ही है और कौन है। अच्छा अच्छा इसका किरदार बताएं, मर्द का किरदार और बताएं इधर माशरे में। मर्द बेचारा बस बाहर घूमता फिरता है, शरीफ आदमी है मर्द, शरीफ आदमी है बिल्कुल, और हर मर्द शरीफ नहीं होता। मैं बताता हूँ मर्द लाइक एक अम्ब्रेला है। अच्छा ये वो अम्ब्रेला है जो जैसे बरसात आती है ना तो वो हमारे को छतरी जो है ना वो बिल्कुल खुश्क रखती है, लेकिन वो सारा पानी का प्रेशर बारिश का प्रेशर अपने ऊपर लेती है, वो बारिश हो ले मर्द वो है बेचारा, उसके ऊपर क्या बीत रही है वो उसी को पता है, लेकिन उसकी जो छतर छाया में नीचे है ना वो सारे सुकून से बड़े रिलैक्स फील कर रहे हैं, लेकिन वो जो उसके ऊपर बीत रही है वो उसी को पता होता है। अरे ये तो वैसे आपने बहुत अच्छी बात की, सीरियसली ये मेरे दिल को लगी है। बीच में एक और मजलूम भाई बैठा हुआ है, जी मजलूम भाई मेरा तो दिल भरा है। यार सीरियसली बड़ी अच्छी बात की है, बात तो यही है जो असल में अच्छे मर्द है वो देखा जाए वाकई अम्ब्रेला की तरह है, जो अपनी फैमिली को अपने घर को अपने माँ बाप को माँ बाप को लेके चलते हैं। जल्दी बताओ तुम क्या कहोगे मर्दों के बारे में? मैं सुन रहा हूँ। अच्छा ये सुन रहा है, चलो ये सुन रहा है, बाकी भाई एक्सप्लेन करें थोड़ा सा मर्द को, मर्द क्या है? गाड़ी के दो पहिए चार पहिए? मर्द है गाड़ी के दो पहिए। अच्छा वो कैसे? अभी भी है गाड़ी के चार पहिए। खराब हो जाएगी वीडियो रे। क्यों खराब हो जाएगी? अच्छी बात है, देखे तो आप जी आ जाएगी ना इरफान भाई की, हमारे को बात अच्छी लगी, इरफान भाई ने सीरियस कर दिया इसे। हाँ अभी उसके आगे कोई बात ही नहीं बनती, अब करें बस असल बात इरफान ने खत्म की है, मैं एंड कर दिया, ये बात सच है और मैं हर फर्स्ट टाइम इसकी बात से 100% इत्तेफाक करती हूँ कि इसने बहुत अच्छा डिफाइन किया मर्द को और आपको दिखाना था, क्योंकि वुमेन्स डे के हवाले से हम औरतों के हकूक की बात करते हैं, लेकिन औरतों के जो हकूक है ना वो भी मर्दों की वजह से, कि मर्द उनको इतनी आज़ादी देते हैं, उनको तहफ़ देते हैं, उनको नाम देते हैं। तो अच्छे मर्द अगर आपकी ज़िंदगी में है, चाहे वो बाप है बेटा है भाई है शौहर है दोस्त है, तो आप औरत में की सबसे खूबसूरत तरीन औरत है। तो बस यही पे मैसेज खत्म करते हैं।